हे गाइस, माय नेम इज अमृता। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी लॉकडाउन चल रहा है। पिछले एक महीने से पूरा भारत बंद है और मेरी आप लोगों से, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपने घर पे रहे, घर से बाहर ना निकले। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ या ज़रूरी काम ना हो तब तक बाहर ना निकले, अपने घर पे रहे, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि एक यही चीज़ है जिसे हम कोरोना को हरा सकते हैं, पर्सनल डिस्टेंसिंग भी और दूसरा अपने घर पे रहने से भी। जिसे आप सभी को पता है कि कोरोना छूने से भी फैलता है, तभी जो है मोदी जी ने पूरे भारत को अभी लॉकडाउन रखा हुआ है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप घर से बाहर ना निकले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो वीडियो आज मैं बनाने जा रही हूँ, लॉकडाउन में जैसे कि सब कुछ बंद है तो सलून भी नहीं जा पा रहे हैं और स्किन जो है ख़राब भी हो रही है, टैनिंग भी हो रहा होगा, तो गर्मियों का टाइम आ गया है, तो इसमें क्या करें, जिसमें आप फेशियल का काम जो है कुछ चीज़ों से फेशियल जैसा इफेक्ट पा सकती हैं, जिससे आपका चेहरा पहले के जैसा नेचुरल और ग्लोइंग और फ्लॉलेस लगे, उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैंने एक कटोरी में जो है एक चम्मच चावल लिया है और एक कटोरी में जो है एक चम्मच दही लिया है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप जो है मिल्क यूज़ करें, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको कर्ड यूज़ करना है। मेरी स्किन ऑयली है तो मैं ये जो है दही यूज़ करी। अब दोनों को मिक्स कर लें। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे पूरे फेस पे लगा लें 5 मिनट के लिए। पूरे फेस पे लगा के इसे 5 मिनट रखना है और इसको मसाज करने के लिए जो है मैं रोज़ वाटर ले रही हूँ। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप पानी भी यूज़ कर सकती हैं या तो टोनर भी यूज़ कर सकती हैं। टोनर भी नहीं है तो प्लेन वाटर यूज़ कर ले। अब इसे मैं 5 से 7 मिनट के लिए मसाज करूँगी, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज करना है मसाज। चावल जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जिससे हमारी स्किन जो है क्लियर और इवन स्किन हो जाती है। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करो, जैसे कि इस पेस्ट को आप तीसरे या चौथे दिन यूज़ कर सकते हो, इससे जो है आपकी अनइवन स्किन भी जो है इवन हो जाएगी और आपका रंग जो है निखरने लगेगा। ये बहुत ही अमेजिंग मेथड है और बहुत अमेजिंग है चावल और दही का पेस्ट। और ये अब से नहीं है, ये बहुत पुराना, जब लोग सलोन्स नहीं जाया करते थे तब होम रेमेडिक्स यूज़ करते थे, जिसमें चावल का जो आटा है वो तो बहुत मेन रोल निभाता था। करने के 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब इसे वॉश करेंगे सिंपल वाटर से। अब मैं फेस वॉश कर चुकी हूँ, उसके बाद आप किसी भी टॉवल से या टिश्यू से अपने फेस को रब नहीं करना है, इस तरह से डैप करना है। डैप करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपके स्किन के अकॉर्डिंग हो आप वो लगा लें। अगर आप इस पेस्ट को 3 या 4 दिन में रेगुलर बेसिस पे करती हैं तो आपकी स्किन का जो
पीएच बैलेंस है वो भी मेंटेन रहता है, और आपका जो अगर अनइवन स्किन है जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ वो भी इवन हो जाता है, और आपकी स्किन जो है निखरने लगती है, फेस पे ग्लो आता है और आपकी स्किन गोरी हो जाती है। इस तरह से आप डेली केयर कर सकते हैं लॉकडाउन में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और मेरी वीडियो ये कैसी लगी आपको ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।